यही सॉल्यूशन में अब हम आगे वाले जो शेष क्वेश्चन से उनको देखते हैं। तो ये लिमिट की प्रॉब्लम है, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल भी हम लगा सकते हैं और इसको एक्सपांड करके भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में हम एल हॉस्पिटल ही लगाते हैं। 2 तो √3, ये हो जाएगा cos π/6 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा +sin π/6 प्लस एक्स। ये डिफरेंशिएट हो गया, अपॉन का 2 फंक्शन से होगा, √3 x का 1 हो जाएगा, और ये पूरा सेकंड फंक्शन मान के चलते हैं, और दूसरे में √3 x अब इसका होगा, तो -√3 sin x -cos x। अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x 0 होगा तो ये क्या बचेगा, cos π/6 यानी cos 30, cos 30 √3/2 होता है, तो ये 3/2। इधर x 0 होगा तो 1/2 अपॉन, इधर भी x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है 3, और cos 0 ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर बचा आपका 4/2, ये 2 × 4/2 यानी 2/3, तो ये कितना आ जाएगा पूरा 4/3। एल हॉस्पिटल से जी रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कोऑर्डिनेट की, इसमें 3 लाइंस दी हैं, x-y = 0, x+2y = 3, 2x+y = 6। तो तीनों लाइन को बनाते हैं और ये पूछा है ट्रायंगल किस तरह है, तो इधर हम थोड़ा सिमेट्री का ध्यान रखेंगे। तो तीनों लाइंस को हम बनाएंगे, पहले ये लाइन x = 0 पर y की वैल्यू क्या होगी, 3/2, एक पॉइंट ये होगा इसका, y 0 पर x क्या होगा, 3/0, तो एक लाइन ये होगी, और इधर x 0 पर y होगा 6, 1.06 होगा, y 0 पर x होगा 3। अब हम तीनों लाइंस को बनाते हैं, y = x लाइन आपकी पासिंग थ्रू ओरिजिन इन बिटवीन बोथ एक्सेस, ये ओरिजिन से मान के चलेंगे y = x। दूसरी लाइन है 3/0, और 0 3/2 से जाएगी, इस तरह हो गई। तीसरी लाइन है 3/0 से, और 0 6 से जाएगी, 0 6 इधर मान लेते हैं, और 3/0, तो ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने होंगे। तो y = x लाइन है, और ये आपका एक कोऑर्डिनेट है 3/0। अब y = x और 6 वाली लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, y = x इसमें रख देंगे, तो 2x + x = 6, तो x = 2 आएगा, x 2 है तो y होगा आपका 2, ये पॉइंट है 2 2। इसी तरह ये पॉइंट फाइंड करते हैं, तो y = x इसमें भी रख देंगे, तो 1 1 आ जाएगा। अब हमें इनकी बीच की डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, और किसी भी तरह चेक कर सकते हैं कैसा ट्रायंगल है। तो चलिए पॉइंट से ही देख लेते हैं, 1 1 2 2 3 0, तो इनकी इनकी बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो ये आएगा 1 - 2 का स्क्वायर, और 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका √2। इसकी इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 + 4 √5, और थर्ड वन ये है, इसकी बीच की डिस्टेंस होगी 1 - 4, और ये 1 - 0 तो 1 आएगा, तो √5। दो साइड्स इक्वल है, ये और ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु। तो ये हम सीधे ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि y = x लाइन से ये बनेगी ये साइड्स, और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी सिमेट्री की वजह से, क्योंकि ये 2 2 1 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, और ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड थी। 3 sin x + 4 cos x = k+1, तो इसके सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस मीन ये जो फंक्शन गिवन है,
ये आपका लाई करेगा माइनस फाइव टू फाइव के बीच में, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फाइव और मिनिमम वैल्यू माइनस फाइव। तो ये के प्लस वन अगर इतने में लाई करेगा तो ये फंक्शन ये रूट्स देगा। तो के प्लस वन शुड बी लाइज बिटवीन माइनस फाइव टू प्लस फाइव दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आपको कभी भी इस तरह का कोई फंक्शन भी दिया हो ये, और इधर कोई भी चीज़ हो कांस्टेंट में, कुछ भी कांस्टेंट हो, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं तो लैम्डा जो यो जो भी यहाँ होगा वो आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच ये लाई करेगा। तो अब हम यहाँ से के फाइंड करना है तो माइनस वन ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा फोर। तो के की ये रेंज आ गई। अब इंटीजर पॉइंट और ढूंढ लेते हैं। माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, तो ये ग्यारह पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें डोमेन का भी ध्यान रखना होता है। लॉग एक्स माइनस वन बेस फोर, और ये पल दी है लॉग टू एक्स माइनस थ्री। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में लॉग हमें डिफाइन जरूर होना चाहिए। तो पहले आप हमेशा डोमेन फाइंड करेंगे, तो डोमेन होगी एक्स माइनस वन, सॉरी यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी, एक्स माइनस वन जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक्स माइनस थ्री जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स ग्रेटर देन थ्री। तो दोनों का जो कॉमन होगा वो वन और थ्री, पहला है वन से ग्रेटर और दूसरा है थ्री से ग्रेटर, तो कॉमन होगा, कॉमन सॉल्यूशन जो होगा, या हम बात करें इसकी जो डोमेन होगी वो होगी एक्स ग्रेटर देन थ्री। यानी हमें सभी एक्स नहीं लेने, पहले तो सॉल्व करेंगे और फिर इस डोमेन के अंदर वाले एक्स ही हम सॉल्यूशन में लेंगे। तो हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम में डोमेन जरूर चेक करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग फोर अपॉन में, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग फोर, लॉग फोर मतलब टू लॉग टू, और लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन लॉग टू, ये कैंसिल हो जाएगा, दो को यहाँ भेजेंगे तो ये आएगा, फिर लॉग से लॉग हटा देंगे, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टेन। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी, एक आएगा एक्स इक्वल टू टू और एक आएगा फाइव। तो हमें टू को छोड़ना होगा क्योंकि एक्स कैसा है, तीन से बड़ा है, तो दो छोड़ देंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वह होगा एक्स इक्वल टू पाँच। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम पे ही वक्र दिया है। वक्र की स्पर्शिकी परिवर्तता का अधिकतम मान किस बिंदु पर होगा ये पूछा है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली पहले इसकी स्लोप निकालनी है, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू। फिर पहले स्लोप के लिए हमें वाई गिवन है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि स्लोप की वैल्यू पूछी, तो पहले तो हम स्लोप के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए करेंगे। तो वाई हमें गिवन है एक्स की पावर फोर बाई टू, फाइव एक्स क्यू, एट्टीन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका फोर एक्स क्यू बाई टू, पंद्रह एक्स स्क्वायर, छत्तीस एक्स, और इसका जीरो होगा। तो ये आपकी अभी स्लोप मिली है एम, एम आया है टू एक्स क्यू माइनस पंद्रह एक्स स्क्वायर प्लस छत्तीस एक्स। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो डी एम बाई डी एक्स ये होगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। छः से डिवाइड कर देंगे तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, यहाँ दो और तीन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू, थ्री कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू एक आएगी दो और एक आएगी तीन। तो दो पर हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, तो डबल करेंगे इसका, तो डबल डिफ्रेंशिएशन होगा ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टी। अब एक्स इक्वल टू टू पर ये होगा आपका माइनस और थ्री पर होगा आपका प्लस, तो इसका मतलब ये पॉइंट ही हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू टू, क्योंकि इसी पे मैक्सिमा होगा, ये टू रखने पे ये माइनस छः आएगा और थ्री पे तो पॉजिटिव रहेगा, तो डबल डबल
डिफ्रेंसिएशन जिस एक्स पर निगेटिव होगा उसी एक्स पर मैक्सिमा आकर करेगा, तो एक्स इक्वल टू टू हमें मिल गया पॉइंट। जब एक्स टू है तो वाई कितना होगा ये और फाइंड कर लें, क्योंकि हमें पॉइंट पूछा है, तो एक्स इक्वल टू टू आप वाई में रख देंगे, तो ये आपका आएगा 8 एक्स इक्वल टू टू 40 और 72 6, तो ये हो जाएगा 80 86, तो ये 46 बचेगा, तो 2,40 ये वाला पॉइंट आएगा, बिंदु होगा 2,40। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना कि यहाँ पर वैल्यू पूछी है स्लोप की, तो एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले स्लोप फाइंड करने के लिए, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए करेंगे। ये डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम है, इसमें हम ट्रिक भी लगा सकते हैं कि देखिए जो भी इसकी वैल्यू आ रही वो ए पर डिपेंड नहीं कर रही, ये वैल्यू जो ऑप्शन है वो ए पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये ए की प्रत्येक वैल्यू के लिए वैल्यू यही दे रहा होगा। तो हम सबसे बढ़िया यहाँ क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू हम जीरो पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए गायब हो जाएगा, तो पहला पॉइंट कितना आएगा ये जीरो रखेंगे तो 2 6 12, ये होगा 1 2 3, ये होगा 1 1 1, इसमें कॉमन ले लीजिए 2, तो ये होगा 1 3 4 1 2 3 1 1 1। अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, दो जीरो मिलेंगे, -2 -1 0, ये मिलेगा आपको -1 -1 0, तीसरा एजिट रहेगा। अब मैं इसके अलोंग एक्सपांड कर दूंगा इससे, तो इसके अलोंग जब एक्सपांड करेंगे तो ये दो जीरो ये और ये छूटेंगे, ये आएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई है, और अंदर क्या बचेगा 2 -1, तो ये बचा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये होता है तो -2 + 2 है, और ये -1 और ये +1, ये +1, तो ये आपका देगा -2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो -2 पहला वाला ही ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपको ए नहीं था, दिस मींस ए पर ये निर्भर नहीं कर रहा है, तो ए की जो इस तरह में वैल्यू चुननी है कि ये डिफाइन बना रहे, तो डिफाइन बना रहेगा अगर इक्वल टू जीरो लेंगे, और भी कोई वैल्यू लेते हैं तो भी ये मिलेगा, और हमेशा इतना ही आएगा, एक्चुअली ए कैंसिल आउट हो रहा है बीच में। नेक्स्ट है आपकी इनवर्स अपर फंक्शन पे, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बी टेन इनवर्स वाई अपॉन सी गिवेन है, और तब इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप सबसे पहले जो तीन चीज़ें इक्वल दी हैं इनको किसी एक चीज़ के इक्वल मानेंगे, हमेशा कोई कॉन्स्टेंट मान के कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो मान लिया लेट दिस इज लैम्डा, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए लैम्डा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा ए लैम्डा, इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा बी लैम्डा, और टेन इनवर्स वाई आ जाएगा सी लैम्डा। इन दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 5y2 होगा, लैम्डा कॉमन आएगा तो ए प्लस बी, लैम्डा की वैल्यू मिल गई आपको पाई अपॉन 2a + b। अब हमें वैल्यू चाहिए कॉस पाई सी अपॉन ए प्लस बी की, तो चलिए ये लैम्डा आ गया, और हमें यहाँ से पाई बाई टू की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, और एक से हम लैम्डा फाइंड कर लेंगे, लैम्डा इधर रख के हमें साइन इनवर्स एक्स भी पता रहेगा और कॉस इनवर्स एक्स भी पता रहेगा। तीसरे वाले से हम निकाल सकते हैं पाई सी की वैल्यू, ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू को पुट करेंगे, पहले लैम्डा इधर रख दें, तो टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई इक्वल टू सी यानी पाई सी लैम्डा की वैल्यू रखते हैं अपॉन 2a + b, ठीक है, तो लैम्डा अपॉन पाई की वैल्यू भी हम रख सकते हैं,
तो हम 2a प्लस बी की वैल्यू रख सकते हैं इधर पे, देखिए तो टेन इनवर्स वाई इक्वल टू है पाई बाई टू पाई सी, और 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू होगी पाई बाई लैम्डा, तो टेन इनवर्स वाई सी लैम्डा आ जाएगा यहाँ से। अब हमें वैल्यू जिसकी चाहिए इधर हम वैल्यू रखेंगे, ये हमें फाइंड करना है, हमें वैल्यू चाहिए इसकी कॉस सी, तो कॉस सी भी हमें मिलेगा और लैम्डा सी से हम सी लैम्डा से फाइंड कर लेंगे इसी, तो कॉस पाई सी अपॉन ए प्लस बी यानी पाई अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टू लैम्डा, पाई अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा टू लैम्डा सी। देखिए यहाँ पे ये था आपका, तो मैंने वैल्यू रखी है पाई अपॉन ए प्लस बी की, तो ये आएगी टू लैम्डा, तो टू लैम्डा सी हो जाएगा, और लैम्डा सी हमें कितना पता है कॉस, और लैम्डा सी की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई, ये है लैम्डा सी, तो टू टेन इनवर्स वाई। अब हमें इसको सॉल्व करना है वाई के टर्म्स में, तो टू टेन इनवर्स वाई से पहले तो आप टेन इनवर्स हटाइए, तो टेन इनवर्स टू वाई बटे वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको कॉस में चेंज करना होगा हमें, तो कॉस में चेंज करेंगे टेन इनवर्स टू वाई बटे वन माइनस वाई स्क्वायर को, तो थीटा जूम कर लेंगे इसे, तो टेन थीटा हो जाएगा टू वाई बटी ये। अब कॉस निकालना है इससे, तो लंब ये है और ये आधार है, तो कर्ण होगा अंडर रूट फोर वाई स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वन प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण ये आ जाएगा। यहाँ से ये आपको कॉस लैम्डा ये पूरी की वैल्यू मिलेगी कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स की बटे वन प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ रख देंगे तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा। तो बस ये ध्यान रखना है, पहले हमें ए इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पाई ए बी की वैल्यू सी के टर्म्स में यहाँ रखना है, तो फिर ये सॉल्व होगा, तीनों का यूज करना है। नेक्स्ट ये मिसलेनियस सीरीज की है, तो आसान प्रॉब्लम थी, तो चलिए इसको ऐसा ज्यूम कर लीजिए, वन प्लस टू इंटू वन बाई थ्री सेवन इंटू वन बाई थ्री, ये जो ए पी जी पी मिक्स होती है इन्फिनिटी तक बात करनी है, तो जी पी में यहाँ हम बेसिकली ध्यान देते हैं, तो जी पी है वन वन बाई थ्री वन बाई थ्री स्क्वायर, ये इसको अलग अलग किया है इस तरह, तो वन बाई थ्री से जी पी का जो आर होता है उससे गुणा करके सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक पद डिस्टर्ब करके, तो एस इंटू वन बाई थ्री ये होगा वन इंटू वन बाई थ्री टू इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर, और अनंत तक है यहाँ, अब इससे घटाइए एस माइनस एस बाई थ्री, अब ये बचेगा वन वन इंटू वन बाई थ्री, ये बचेगा फाइव इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर, और ये वन फाइव आगे हो जाएगा आपका नाइन, ठीक है, इस तरह बचते जाएंगे, आगे यहाँ ट्वेल्व था तो ये फाइव है टू, और टू के आगे ये जाएगा सात, तो पांच ही रहेगा, ये यहाँ होता बारह बटे ये वाला बारह इंटू वन बाई थ्री का क्यू, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सेवन तो ये फाइव आएगा, आगे सब में फाइव रहेगा, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू एस वाई थ्री वन प्लस वन प्लस वन बाई थ्री फाइव कॉमन ले लीजिए ए अपॉन वन माइनस आर, तो ए अपॉन वन माइनस आर ये आ जाएगा फोर बाई थ्री प्लस यहाँ नाइन नीचे आएगा तो नाइन माइनस सिक्स ये वाला आपका बचेगा फाइव इंटू नाइन को नीचे लाएंगे तो नाइन माइनस नाइन यानी नाइन में सिक्स सब्ट्रैक्ट होगा थ्री तो सिक्स बचेगा, ये हो जाएगा आपका चौबीस और ये पंद्रह बटे अठारह, और फिर ये हुआ आपका चौबीस
15 कितना हुआ, 9 और 4/18, इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, 6, ठीक है, 12, और ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है प्रॉब्लम, वक्र की अवकल समीकरण की घात और कोटि में अंतर। पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इसकी ए रूट ए प्लस एक्स इंटू ए, तो रैंडम वेरिएबल एक होगा ए, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसे, 2y इंटू वाई डैश, और ये 0 हो जाएगा, ये ए। तो अब हम ए को यहाँ से हटाएंगे और फिर घात और कोटि डिफाइन करेंगे, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए है 2y y डैश, वाई स्क्वायर था, ए की वैल्यू यहाँ आई 2y y डैश, और अंडर रूट 2y y डैश प्लस एक्स, एक वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 2y y डैश, एक्स इंटू 2y डैश बराबर होगा 2y डैश और अंडर रूट 2y y डैश। अब हमें स्क्वायर करना होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2y डैश स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका रूट हट जाएगा y y डैश, तो y डैश का क्यूब हुआ, तो y डैश का क्यूब, इसका मतलब इसकी कोटि क्या होगी, 3, क्योंकि सबसे बड़ा वाला जो टर्म है वाई डैश, इस पर पावर आएगी 3, इधर से इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है कि कोटि इसकी 3 है, और सॉरी कोटि 1 है, और घात कितनी है इसकी, 3, घात यहाँ पे 3 है, कोटि 1 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 2, 3 - 1। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान देना, और घात डिफाइन करने के पहले आपको फ्रैक्शनल पावर हटाना होता है। चलिए ये एरिया का है, इसमें हमें इसका एक्स अक्ष से घिरा हुआ, तो बेसिकली हमें बस इसका ग्राफ बना लेना है सही से, काम आपका हो जाए। तो ग्राफ को समझ लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे x-1 का मॉड, x-1 का मॉड आपका इस तरह होगा, 0-1 से जाएगा ये, फिर -2, इसको 2 यूनिट डाउन शिफ्ट करेंगे, 2 यूनिट ये अभी डाउन शिफ्ट होगा, तो इस तरह होगा, और x=0 पे वैल्यू इसकी कितनी होगी, -1, ये 2 होगा, 1, -2। अब हमें इसमें भी मॉड लगाना है, तो इसमें जब मॉड लगेगा तो ये इस तरह आएगा, उसको मैं अलग से लाल में बना देता हूँ, इधर तो ये होगा, ये आएगा ये, और फिर ये हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होंगे, तो ये पॉइंट होंगे जब इसको 0 करेंगे तो ये आएगा, एक बार आएगा ये 3, और एक बार ये आएगा -1। एक्स अक्ष से इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ये पॉइंट क्या होगा, x=1 पर वैल्यू देखते हैं, इसकी 1 रखेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये 2 हो गया,
और ये एक्स कितना था, वन, ये, और ये थ्री है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, टू, ये वन और ये वन, तो दो ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल का एरिया होगा वन बाई टू, ये और ये दो, तो ये दो है, दो गुणा दो, ये कितना आएगा, दो। अब इस ट्रायंगल का निकालिए, ये डिस्टेंस कितनी है, दो, ये भी कितनी है, दो, तो इसका भी आएगा एक बटे दो, दो गुणा दो यानी दो, तो दोनों का मिलके दो दो चार हो जाएगा। अब है अगला, साइन टू एक्स जीरो टू पाई, और इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, तो चलिए लूप के हिसाब से बना लेते हैं। तो साइन टू एक्स का अगर ग्राफ बनाना हो तो हम साइन एक्स का ही बना के दो से डिवाइड कर देते हैं, ये पाई बाई टू होगा, ये पाई होगा। अब हमें एरिया चाहिए ये, तो अगर हम सीधा सीधा बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव होगा और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव होगा, तो एक तरीका तो ये जीरो से पाई बाई टू में ये होगा साइन टू एक्स डी एक्स, और पाई बाई टू से पाई में ये होगा माइनस साइन टू एक्स डी एक्स। अब हम दोनों को इंडिकेट करके ऐड कर देंगे, तो ये बेसिकली वन वन आएंगे दोनों, उसका हाफ आएगा क्योंकि ये वाला टू होता है जब साइन एक्स पूरा लूप होता है, इसका हाफ हुआ है जब ये साइन एक्स होता है तब इसकी वैल्यू टू होती है, यहाँ ये मिलकर दोनों दो बनेगी। दूसरा ये हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ क्या है आपका साइन टू एक्स का मॉड, तो एफ ए माइनस एक्स जरा फाइन करेंगे तो ये होगा साइन टू इंटू पाई माइनस एक्स, तो ये इक्वल रहेगा, नेगेटिव भी आएगा तो मॉड है, तो इसका मतलब है कि हम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो टू ए बाई टू एफ एक्स डी एक्स, जब एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल हो एफ एक्स की। तो अब हम इसको लिमिट को हाफ करके, जो लिमिट को हाफ करके आगे टू का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन टू एक्स डी एक्स। अब जीरो से पाई बाई टू में साइन टू एक्स पॉजिटिव ही होगा, साइन टू एक्स डी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो माइनस टू और टू एक्स बटे टू आएगा, तो मैं टू से सीधे डिवाइड कर दूंगा और जीरो से पाई बाई टू माइनस वन, और ये बचेगा आपका कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, तो ये माइनस वन और ये वन, माइनस माइनस टू और ये पूरा क्या हो जाएगा टू। अगला है, यहाँ चार पॉइंट गिवन है और ये कह रहे हैं कोप्लेनर है, पॉइंट है पी क्यू आर एस, तो लैम्डा के समस्त मानों का योग चाहिए, तो तीन में बना के इनका डिटरमाइन जीरो करा देंगे, तो P को फिक्स कर लेते हैं मान लीजिए, तो पी क्यू पी आर और पी एस इनका डिटरमाइंट जीरो होगा, हमेशा यही करते हैं। तो चलिए पी क्यू, पी से क्यू चलेंगे तो सात में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये पहले वाले में आएगा छः जीरो और माइनस तैंतीस, अब R में से P सब्ट्रैक्ट होगा जीरो दो लैम्डा माइनस थर्टी फाइव, थर्ड वन है टू लैम्डा माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री थ्री। अब हम एक जीरो और वैसे बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन एक जीरो खत्म भी हो जाएगी, तो अब इसको हम सीधे सीधे एक्सपांड कर देंगे, एक्सपांड करने के बाद यहाँ मिलेगी हमें क्वाड्रेटिक, जब एक्सपांड करेंगे तो सिक्स इंटू
माइनस सिक्स प्लस फोर लेमडा माइनस 280, चार का मल्टीप्लाई होगा 140 सॉरी, और दूसरा वाला तो जीरो होगा, फिर आएगा माइनस 33 और ये होगा आपका ये और ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो 12 और बराबर जीरो। और यहाँ से आपको लैम्डा में क्वाड्रेटिक मिलेगी तीनों बदलने के बाद, और लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक आएगी द्विघात समीकरण आएगी उसके मूलों का योग निकाल लेंगे। मूलों का योग कैसे निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए सी।